सो गाइस हम आ गए ऊपर। अब यहाँ से 5 किलोमीटर बचा है और हमें देखो क्या मिले, यहाँ पर कितने सारे हैं डियर। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएस ग्रुप उत्तराखंड। और आज हम फिर से जा रहे हैं साइकिलिंग करने, और अभी मॉर्निंग के 5:45 हो रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं एक अलग रूट में, जिसमें हम बल्दिया खान जाने वाले हैं पहले, और बल्दिया खान से फिर हम एक नया रूट लेने वाले हैं। तो वो मैं आपको रास्ते में दिखाऊंगा कैसा है। और मेरे साथ अभी एक और साइकिलिस्ट जुड़ रहे हैं नैनीताल के, रोहित गर्ग सर, तो मैं उनसे भी आपको भी मिलाता हूँ। तो उनका वेट करते हैं और फिर चलते हैं, अपनी राइड स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली गाइस, गर्ग सर भी आ गए हैं। और हेलो सर, नहीं नहीं सर, मैं बस जस्ट आया ही हूँ, बस 2-3 मिनट्स। तो ये हमारे गर्ग सर हैं, और ये 51 की एज में मुझे रिसेंटली पता चली सर की एज। बहुत अच्छी साइकिलिंग करते हैं और स्विमिंग करते हैं, आप फिजिक्स देख सकते हैं। और अभी हम ये साइकिलिंग की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं और क्या प्रोग्राम है आगे का, हम जल्दी आपको वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी राइड। तो गाइस हम आ गए हैं तल्लीताल से हल्द्वानी वाली रोड को, और अब सनराइज भी हो गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ से हमें पहले जाना है बल्दिया खान, उसके बाद आएगा रूट में वहाँ से बताता हूँ आपको। हम इस रूट से आए नैनीताल से, और ये वाला रूट जो है ये जाएगा हल्द्वानी को, और जिसमें हम जा रहे हैं ये रूट है इधर को। तो ये हमें कहीं नीचे हल्द्वानी और कालाढूंगी रोड में मिलाने वाला है नीचे कुछ किलोमीटर्स बाद। तो वहाँ जाते हैं और वहाँ से फिर हम शायद कालाढूंगी को जाएंगे। तो चलिए चलते हैं ये शॉर्ट रूट में। सो गाइस, ये वाला एरिया जो है ये देवीधुरा है, इसके आगे पट्टो डांगर आता है, और हमें इसमें डाउनहिल में जाना है ऑफ रोड वाले में। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। गाइस हमें मिल गया कम्प्लीटली ऑफ रोड, और ये थोड़ा नीचे तक जाएगा, तो ये शायद रूट बन रहा है अभी। तो सो गाइस, यहाँ पर हम पूरा ये भी ऑफ रोड करते हुए आ रहे हैं, काफ़ी नीचे आ गए। तो ये पूरा ऑफ रोड वाला ही रास्ता है, काफ़ी हम बातें शेयर कर रहे हैं सर, अपनी एक्सपीरियंस बता रहे हैं ये मानसरोवर यात्रा के, और कुछ मैं शेयर कर रहा हूँ हमारी लद्दाख जर्नी इंडिया टूर के। तो काफ़ी अच्छा टाइम मतलब यहाँ स्पेंड हो रहा है, और काफ़ी मतलब रास्ता भी काफ़ी अलग सा, मतलब हटके है थोड़ा, शांति जैसा। तो चलिए चलते रहते हैं और आगे मिलते हैं आपसे। सो गाइस हम आ गए नीचे, पूरा ऑफ रोड वाला रास्ता है ये, पूरा पीछे रास्ता कहीं कहीं पर, अब थोड़ी सी सही रोड दिख रही है आगे को, मतलब थोड़ी ठीक है। और ये सर है हमारे साथ, तो काफ़ी किस्से हम शेयर कर रहे हैं, सर अपनी जर्नी के, मैं अपनी जर्नी का, तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी पता ही नहीं चला बिल्कुल कितना आधा रूट आ गए, पता ही नहीं लगा, अभी वो बातें करते करते आ रहे हैं। तो अभी चलते हैं आगे को और फिर आगे को दिखाते हैं कैसा है। सो गाइस हम आ गए हैं 15 किलोमीटर नीचे बल्दिया खान से, और अभी शायद 15 किलोमीटर का रास्ता और बचा है। ये रूट है, रूट बहुत अच्छा है, और काफ़ी मतलब अच्छी मॉर्निंग्स इन्वेस्ट हुई है आज, बहुत ही अच्छा। सर को थैंक यू, सर ने रूट बताया बहुत अच्छा लगा। तो ये अपना रूट है आगे को, अभी चलते हैं थोड़ा 2 मिनट का रेस्ट लेके। हमें मिल गया फिल, और ये पूरा ऑफ रोड है, तो अभी हम इसमें चल रहे हैं। लेकिन रूट काफ़ी मस्त है, बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल शांति है जंगल के बीचों बीच। तो आप भी मज़े लीजिए रूट के, चलिए मिलते हैं। हमें मिल गई ये रोड, और अभी हमें 10-1 किलोमीटर और नीचे उतरना है, तो हम फिर वहाँ मेन रोड पर पहुँचेंगे। तो मज़ा आ रहा है काफ़ी सर के साथ, काफ़ी अच्छी बातें चल रही हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है सर से। तो चलिए चलते हैं और फटाफट रोड में जाते हैं। तो गाइस हम थोड़ा नीचे आ गए, और यहाँ पर ब्रिज पे हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली, ये आ रही होंगी यहाँ पर आपके स्क्रीन पे। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से कालाढूंगी को, और अभी थोड़ा सा और बचा है डाउनहिल, फिर हम मेन रोड पर पहुँच जाएंगे। सो गाइस हम पहुँच गए हैं बैसानी गाँव पर, अब यहाँ से थोड़ा ही बचा है रोड का, और कितनी मस्त लोकेशन है देखो, बिल्कुल गांव में हम, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। गाइस देखो हमें कितना अल्टीमेट ये स्टैचू दिखा है सर, ये है क्या, जनमान रिसोर्ट है,
अच्छा जंगल रिजर्व, ये इस क्या यहाँ है, पर ये कुछ चिंपेंजी टाइप का? ये बनमानुष, हाँ अच्छा चिंपैंजी बनमानुष का, हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है ना रूट में। हाँ जंगल थीम पर डेवलप कर रहे हैं ना उसे, वो सर इसलिए वही इसको। तो बड़ा अच्छी चीज़ लगी, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाएं। और ये अपना रूट है, बस पहुंचने वाले हैं ऑलमोस्ट। सो फाइनली गाइज हम मेन रोड पर आ गए हैं, और यहाँ से अभी काला डूंगी बचा है थोड़ा, 15 किलोमीटर है। सामने उसको आया है, वो माइल स्टोन पर दिख रहा है। तो अभी हमें यहाँ से काला डूंगी जाना है, उसके बाद हम जाएंगे सीधे वहाँ से नैनीताल को। तो काफ़ी अच्छा है, अब रोड अच्छी आ गई है, तो यहाँ पर थोड़ा स्पीड अप करते हैं और फटाफट निकलते हैं। तो गाइस हम काला डूंगी पहुंचने वाले हैं, और यहाँ काफ़ी मज़ा आ रहा है। ऑल तो यहाँ पर बहुत गर्म है, बट ठीक है, प्लेन है थोड़ा, तो थोड़ी सी स्पीड अप हो जा रही है। और हम काला डूंगी से जाके फिर हम नैनीताल को निकल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो गाइस अभी हमने यहाँ पर अपना थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह किया, आलू के पराठे वगैरह खाए और थोड़ा रेस्ट भी कर लिया। अब हम यहाँ से जा रहे हैं इस रूट में, ये एक दो बैंड बाद हमें फिर टर्न लेना है राइट को नैनीताल को, फिर हम नैनीताल वाली रोड। चलिए मिलते हैं। तो गाइस हम में वो बैंड पर आ गए हैं, अब यहाँ से हमें लेना है राइट टर्न, और आगे वाला जो जाता है वो रामनगर जाता है, और हमें ले लेना है राइट टर्न नैनीताल को। तो चलिए इधर को चलते हैं। काला डूंगी से ऊपर, और थोड़ी थकाई बहुत लग रही है क्योंकि धूप है तेज, तो थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं यहाँ पर। और वो देखिए सामने कितने अच्छे पहाड़ लग रहे हैं, मतलब पहाड़ नहीं वो प्लेन्स हैं, बट बहुत अच्छे लगते हैं देखो। और ये हमें यहाँ को जाना है, बस थोड़ी देर रेस्ट करते हैं फिर चलते हैं। तो गाइस हम मंगोली पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, और बॉडी काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई क्योंकि धूप बहुत है आज, तो बहुत काफ़ी स्वेट भी रिलीज़ हो गया है। तो अब चल रहे हैं बस धीरे धीरे, और मंगोली पहुँचते हैं जल्दी फटाफट। सो फाइनली गाइस हम पहुँच गए हैं खुरपाताल, और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं आज, काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो अब यहाँ से फटाफट नैनीताल जाते हैं आराम आराम से, फिर मिलते हैं। सो गाइस हम आ गए ऊपर, अब यहाँ से 5 किलोमीटर बचा है, और हमें देखो क्या मिले यहाँ पर, कितने सारे हैं डियर, डियर ही है ना सर ये? वाह, तो बहुत ही अच्छा मौसम भी हो रहा है बिल्कुल, यहाँ को धूप हल्की सी है लेकिन वो परेशान नहीं कर रही है, और नीचे का तो नज़ारा कुछ अलग ही है। फाइनली गाइस हमारा अपहिल हो गया कंप्लीट, और हम पहुँच गए 12 पत्थर। तो अब जाके बहुत राहत मिली है, बहुत हेक्टिक डे हो गया था, तो फटाफट नीचे चलते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। और ये है 12 पत्थर वाला एरिया, काफ़ी अच्छा लगा सर के साथ, बहुत मज़ा आया। सो गाइस आज का वीडियो ये था, जो बहुत ही हैक्टिक हो गया, हमने मोर देन 100 किलोमीटर कवर किया आज, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी काला डूंगी साइड, तो वहाँ काफ़ी टाइम लग गया, बट अब घर पहुँचने वाले हैं अब, ठीक है। तो होप करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बने रहिए हमारे साथ। ऐसी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन।